यार इट्स अ बिग जॉब ब्रो, इट्स अ बिग जॉब, मजाक नहीं है। यहां से यहां तक गया तो मेरे तोते उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव चौधरी के बहुत ही फ्रेश कमाल शानदार जबरदस्त मसालेदार बेहतरीन कमाल एपिसोड में। और अभी दोस्तों यहां पे खैर मैं जिस खास काम के लिए दुबई से दिल्ली आ गया था, टाइम है वही काम करने का। तो जल्दी से आगे बढ़ते इस वीडियो में, उससे पहले लाइक जरूर कर देना बिकॉज वीडियो बहुत खतरनाक आग 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 वाला होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं भैया, मजा आने वाला है बहुत ही कमाल। मतलब क्या बोलते हैं उसको, खुशियां इंटू 100, एक्साइटमेंट इंटू 100 कर देंगे पूरा का पूरा। शुभ काम से पहले कुछ सैनिटाइजर हो जाए। दोस्तों ताज़ा अपडेट ये है कि फिलहाल हम हैं दिल्ली में कहीं आउटर रिंग रोड पे। एग्जैक्टली मेरे को इतना जीपीएस तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उमेश भाई साथ में है तो नक्शे पूरे मिल जाते हैं। उमेश भाई साहब मिले नहीं, उमेश भाई आप हाय बोलोगे, कैसे बोलोगे हाय? हाय। दोस्तों सीन अभी कुछ ऐसा है ना कि मैं हूँ सीधा लैब के बाहर और नीचे जो लैब है उसमें चल रहा है बहुत ही स्पेशल काम। डॉक्टर जो है ना वो हमारे बड़े कूल हैं, तो चलते हैं और मिलते हैं डॉक्टर से और देखते हैं आखिर लैब में क्या चल रहा है और ये कौन सी लैब है। आ जाओ भैया शुरू करते हैं। बड़ा बड़ा एवरीबॉडी, मैं बोल रहा था कि मैं लैब में जा रहा हूँ और मैं लैब के डॉक्टर से मिलवाने वाला हूँ आज इस वीडियो में। डॉक्टर वन एंड ओनली डॉक्टर, हम डॉक्टर भी नहीं, हम सर्जन है। सर्जन हो, क्या करते हैं भाई आप? चीरमचारी करते हैं, चीरते हैं। दोस्तों ये जो चीज है ना ये एकदम है अभी स्पेशल और अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज मैं मतलब आप तो दुबई आ नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो मैं टिकट्स कर रहा हूँ, मैं आऊंगा, फिर डिले कर देते हो, फिर कुछ लगा फाइनली चलो मेरे को जाना पड़ेगा बिकॉज 24th इज द डेट और अभी टेक्निकली 24th होने वाली है। टेक्निकली होने वाली है। आई एम रियली थैंकफुल कि गौरव भाई टाइम निकाल के आए यहाँ पे। हाँ। और हमें सपोर्ट कर रहे हैं गाने को। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ वो तो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे एक्चुअल में आया हूँ आपकी लैब का वो करने, कुछ मैं बनाऊंगा ना यूट्यूब होता क्या, आप जानते हो ना यूट्यूब पे वीडियोस चलती हैं सेंसेशनल वाली। सही बात है कि ये रिवील्ड, ये एक्सपोज, तो मेरा तो मेरा टाइटल होगा हनी सिंह लैब एक्सपोज्ड। विजिटेड, हां विजिटेड, डीपली विजिटेड, डीपली विजिटेड। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू एवरीबॉडी। हां चलो, रोहित भाई इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड एंड he handles lots of business and homie Delhi wala in the house. Yeah. Everybody know Dang saab in the house. This he's from the video team. Meer bhai ke sath hai video team mein. Yeah. Everybody knows him. ye maine introduce kara diya Sharma bhai. Yogi base, Yogi Gunit in the video team. और आज गौरव भाई ने आना था तो मेरे को तो इंट्रोड्यूस करवा दो भाई, कुछ बोलो मेरे बारे में, दो शब्द बोले जाए। द गुरु, द टेक्निकल गुरु, माय यंगर ब्रदर, और काफी सालों से इनका, इनकी फैमिली का मेरा प्रेम है। तो आज हम इस प्रेम को इनटू 100 करने आए हैं, इनटू 100 करने आए हैं। और बिग शाउट आउट प्रदीप आजी को मिस कर रहे हैं यहाँ पे। और डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वी गोना बी इन दुबई, वी विल हैव फन। नेक्स्ट टाइम हम दुबई में ना शिगजाद रोड पे बढ़िया गाड़ी में वीडियो बनाएंगे मजेदार। डेफिनेटली चलो तो बैठते हैं और शुरू करते हैं असली असली बातचीत मुद्दे की। अरे सबसे पहले एक बात बताओ, मैंने देखो कल ही स्टोरी पोस्ट करी और गाना तो आपने फरवरी में सुना दिया था, ऑडियो हम सुन चुके हैं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया, एकदम बढ़िया। ये बताओ फर्स्ट किस का क्या सीन है? फर्स्ट किस का क्या सीन है? फर्स्ट किस या मेरे दिमाग में भाई ऐसा थॉट था कि जब मैं खुद अपने गाने करता हूँ ना, तो मेरे सब्जेक्ट गानों के ऐसे होते हैं जो थोड़े से नए हो, थोड़े मॉडर्न हो, आने वाला दौर जो है यंगस्टर्स का वो रिलेट करे। तो उसी तरह मेरे पास कई ऐसे कंसेप्ट थे कि अगर लड़की अगर फर्स्ट किस गाएगी गाने को और उसके बारे में बात करेगी, हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए यार कि अगर लड़की इतना अर्बन सब्जेक्ट पे गाना गाएगी तो डेफिनेटली लड़कियां उसको फॉलो करेंगी और उसको पसंद करेंगी। तो ये थॉट कहीं कहीं आपने ऐसा तो नहीं बस जबरदस्ती गाने का नाम फर्स्ट किस रख दिया बिकॉज आपको वो स्टेप हो जाएगा इसलिए? ये वाला नहीं, फर्स्ट किस का थॉट ऐसी है। बट पता है मैं ना मतलब बहुत लोगों से पता नहीं हुआ है बात, हम बर्थडे पे साथ में थे आपके 15 मार्च को और उस टाइम पे भी प्लानिंग चली थी दुबई की टिकट करने की, गाने का शूट मायामी सिंगापुर दुबई सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे उस टाइम पे, बट कोरोना हो गया। और टू बी ऑनेस्ट भाई मतलब जब भी गाने देखते हैं ना तो मतलब लगता है कि भाई ओके मतलब नो बड़ा शूट होगा ये होगा,
जब मालूम चला ना कि आप अभी कोरोना में शूट करेंगे तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा। हाँ, दिल्ली में किया, दिल्ली में किया है। बिग शाउट आउट माय टीम में, स्पेशल वीडियो टीम में बहुत स्पेशल है मीर गुलाटी हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर, और उनकी वजह से ये हैपन हुआ। एक्चुअली में ये गाना हम लोग शूट कर रहे थे पहले मायामी में, तो वहाँ पे सेंसेशन हो गई थी अमेरिका में कि कोरोना कोरोना, इंडिया में इतना पता नहीं था। फिर लगा दुबई में कर सकते हैं, फिर लगा दुबई में कर सकते हैं, दुबई का प्लान हुआ तो लॉकडाउन लग गया इंडिया में। मुझे आज भी याद है जब आई थिंक 16 तारीख से दिल्ली में क्लब्स बंद हो गए थे, 15 तारीख को रात को लास्ट पार्टी चल रही थी दिल्ली में, हमने कह रही थी मेरे हैप्पी बर्थडे टू यू पे। और फाइनली आपको शायद जान के खुशी होगी, मैंने हमने पूरा वीडियो दिल्ली में शूट किया। वीडियो ऐसा है, मैं देख रहा हूँ इसके अंदर पीछे गुलाबी गुब्बारे उड़ रहे हैं, पीछे आप पानी पे चल रहे हो, मतलब इसकी हाँ मतलब डेफिनेटली मतलब ये जो गाना है ना, ये टू बी ऑनेस्ट देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये इस कंडीशन में शूट किया और इंडिया में शूट किया स्पेसिफिकली, तो ये तो मतलब मैं क्या ही बताऊं। एक और चीज मैं चलो गाने से पिक करता हूँ भाई आपके लिए, मैं मतलब सुनो ना होता क्या है ना मैं बताता हूँ, मेरे लिए भी काइंड ऑफ मतलब रिलेटेबल है कि व्हेन यू डू समथिंग गुड पीपल ऑलवेज वॉन्ट टू काइंड ऑफ यू नो कम अलॉन्ग, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो आपके नजदीक पहुंचते रहे। चलो हम गाने में बात करते हैं, यू नो पूरा ब्लिंग फैक्टर होता है हमेशा, ठीक है जी, तो लैम्बोर्गिनी फरारी बुगाटी रोल्स रॉयस सब कुछ हो गया, चलो ठीक है वो हमने बाकी गानों भी कभी कभी देख लेते हैं। यहाँ पे अभी F1 कार कहाँ से जरूरत पड़ गई बीच में, आपने बोला कि अब तो F1 कार आएगी गाने में। F1 का थॉट ये है कि भाई सारी गाड़ियां हो गई, अब गाड़ी कोई बची नहीं, क्या करें, पहले सोचा है टैंक ले आते हैं, फिर हमारे यार दोस्त बोले टैंक रहने देते हैं, सो फाइनली वी अरेंज्ड फॉर्मूला 1 कार। बिग शाउट आउट उमेश शर्मा जिसकी वजह से ये हैपन हुआ, काफी सारी चीजें लेके। एक सवाल है भाई, इसमें लड़की कहाँ बैठेगी गाड़ी में? झंडा दिखा जो मतलब अगली बार तो लगता है कि कुछ वो होगा मार्स वार्स पे कुछ वो कोई, मैं सोच रहा हूँ एलन मस्क कुछ रॉकेट रॉकेट बना रहे हैं। सही है, बाय द वे ना एक और चीज मतलब चलो आपको मैं एक चैलेंज देता हूँ। चैलेंज ये है कि सी मैं जानता हूँ ना, वो हमेशा ही होता है कि जब भी कोई आर्टिस्ट होता है ना तो उसकी आर्ट की असली पहचान तभी होती है जब वो काम करके दिखाए सामने, कि जादू वाला सामने जादू करके दिखाए, जोक वाला जोक सुना के दिखाए। तो आप गाने वाले हो, आप गाना कुछ बना के या कुछ मेरे को ऐसा करके दिखाओ जिससे मेरे को लगे कि भाई मतलब कैसे बनता है गाना आपको, ये वो होता है कि सीक्रेट सब रिवील कर रहे हो इतने आसानी से। आपने बोला भाई, वो भी फर्स्ट टाइम, मेरे 15 साल के म्यूजिक करियर में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं अपने गाने का ब्रेक डाउन मल्टी ट्रैक्स भाई की कहने पे मैं दिखा रहा हूँ, और ये फर्स्ट किस गाने का मल्टी ट्रैक है कि हमने कैसे क्या क्या गाने में क्या क्या बजा हुआ है। So, चलिए शुरू करते हैं। ये सही है, हाँ, ये सही है। मेन मेरा सॉफ्टवेयर यही है, ओके, और बहुत ओल्ड स्कूल है लेकिन मेरा म्यूजिक बनाने का तरीका फ्यूचरिस्टिक है, तो वो मैटर नहीं करता ना कौन सी बाइक पे बैठे हो ना, फॉर्मूला 1 वाला तो जीतेगा रेस जैसे। सो दिस इज द सैंपल, सारा मल्टी ट्रैकिंग है कि हमने क्या क्या बीट, किसी में अब ये एक सैंपल है सिर्फ जिसके जिसके बेस पे मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि हम गाने का नाम रखेंगे फर्स्ट किस। ओके दिस वाज द सैंपल जो बज रहा है जी, उसके पीछे पियानोज बज रहे हैं, आप गाने को सुनेंगे और ध्यान से हेडफोन्स में तो ये चीजें आपको सुनाई देंगी, जितना अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा उतना आप सुन पाओगे ना, मतलब कि कितना अलग अलग है। डेफिनेटली हाँ, ये इलेक्ट्रिक गिटार है बेसिकली, इसमें सिर्फ एक रिफ दिया हुआ है, ये कभी नोटिस नहीं हो पाता, ये म्यूजिशियंस को पता लग जाता है। हाँ, लेकिन क्या है ना, वही एक बुके भरना है तो हल्की हल्की घास भी है तो उसका भी इम्पोर्टेंस है। मुझे ना एक किताब या कुछ तो ऐसा वीडियो बनाना चाहिए, हाउ टू मेक म्यूजिक लाइक हनी सिंह, और फिर ये सारे सारे बता दूंगा आप कि क्या आपको ये आप क्या आपने बोला भाई, पहली बार मैं ही कर रहा हूं ये सिर्फ वीडियो के बाद। ये नीचे रेड वाली कैसी है जो बहुत ज्यादा है, दिस इज अ डेमो, दिस इज द बीट मिक्स, ये लग रहा है कुछ ज्यादा वो है, ये समझ लो बैकबोन है इस गाने की, दिस इज कॉल्ड डेमो, मिक्स बीट होती है जिसमें किक्स स्नेयर हाई हैट सब होते हैं। अब ये मैं रिलेट कर रहा हूं, ये रिलेट कर रहा हूं, इसमें धीरे-धीरे चीज ऐड होती जाएंगी, अब इसके साथ आप शेकर सुनेंगे। जो
आपकी गाड़ियों की कैमरा में इतना नहीं आएगा ऑफकोर्स, लेकिन तो दिस इज द वोकल लूप जो चल रहा है, ट्रीटमेंट दे रखा हमने सिर्फ, ये पूरी थीम है ऊपर पहले बीट थी सिर्फ। और जनरली या तो मेरे ट्रैक्स होते हैं 15-16 ट्रैक्स में खत्म हो जाता है गाना, या फिर 40 ट्रैक्स से ऊपर जाता है। ओके तो या तो मैं क्लीनेस्ट काम करता हूँ या मेसीएस्ट करता हूँ, यू कैन प्रोग्राम एवरीथिंग। लैपटॉप लेके निकलो और सारा भाई, ये तो मेरा नया लैपटॉप है भाई, बाई चांस मेरा पुराना लैपटॉप मैंने 7 साल यूज किया है, और रशिया और जापान को छोड़ के वर्ल्ड की हर कंट्री में मेरे साथ वो ट्रैवल किया है। क्या बात है, मैंने लैब इतने सालों बाद पहली बार बनाई है। लैपटॉप का इंश्योरेंस कितने का था वो बताओ, अभी पड़ा हुआ है मेरे पास। तो मेरी थॉट ये था भाई, स्टूडियो मैंने कभी बनाया नहीं, मेरा थॉट ये था यार कि अगर मैं ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे बहुत ज्यादा, तो मेरा ये थॉट था कि अगर मैं यार कहीं स्टूडियो बनाऊंगा तो मेरी सोच रुक जाएगी, मैं एक ही तरह का म्यूजिक बनाने लग जाऊंगा, एक ही तरह की जगह पे जाऊंगा। तो आप ऑन द गो बना सको म्यूजिक, ताकि किसी भी लोकेशन पे हो और वहां पे लैपटॉप खोल के बना सकते हो। वो जितने गाने हैं 4 Bottle Road का या जितने भी ब्लू आईज, देसी कलाकार, हमने देसी कलाकार वीडियो में मैंने दिखाया है जब गाना शुरू होता है, दैट आई एम मेकिंग अ बीट एट होम विद दो स्पीकर लगा के, एक लैपटॉप लगा के। तेरे नाम और रुतबे का इतना असर, जब भी होता तेरे साथ सब बुलाते मुझे सर, लव करूं तुझे जैसे चाहती तू स्लोली स्लोली, टाइम है कम मुझे कहती मेरी रोली रोली, कपल है पावरफुल जोड़ी है ब्यूटीफुल, तू अनुष्का मैं विराट कोहली कोहली। क्या बात है, ये वो चीज है जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब I have the access. Definitely. Exclusive brother. चलो अभी ना आपके लिए एक चैलेंज है, ये मेरे को पता नहीं कि मतलब आप इसमें पास हो गए, अच्छे तरीके से पास हो गए, पास तो हो ही जाओगे, बेस्ट करेंगे। चलो चलिए शुरू करते हैं कि ऊपर एक क्विक कुछ रैप कर सकते हो, 2-4 लाइन जोड़ के सोचो। ये कहना चाहते हैं कि चलिए कुछ शुरू करते हैं, लेकिन मेरी उस पर कुछ शर्तें हैं। शर्ते हैं, करते हैं, बिल भरते हैं, सीडी चढ़ते हैं, तो हम लोग बेसिकली एक्चुअली एक और चीज बता रहा हूँ कि हम लोग गाने को ज्यादातर उल्टा लिखते हैं। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं तो हम उसका राइम पकड़ लेते हैं। अच्छा, हैं, वो वर्ड्स आप लगाते हो, पहले राइमिंग लगा लेते हैं, फिर लॉजिक देखते हैं कि लॉजिकली कौन सी बात करी है, फिर लॉजिक बिठाते हैं कि ये इसके आगे जो बात कहें वो पहली लाइन से रिलेट करें। बाकी मैं अभी आपको गाने का एक वो दिखाता हूँ वीडियो, बेसिकली बिकॉज वो हम देखते हैं एक्सक्लूसिव अभी, तो मतलब चलने वाला नहीं, इसमें सिग्नेचर स्टेप है, वो अतुल भाई है, उनको भी शाउट आउट देना चाहूंगा। फर्स्ट किस, 1 2 फर्स्ट किस, ऐसा मुझे याद रखा था डांस करते टाइम। Your honey singer, let me present. को कहना चाहूंगा कि ये मैं देख रहा हूँ ट्रिब्यूट ना, चमकीला जी मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, जो पंजाब के फोक आर्टिस्ट हैं, थे और बहुत कमाल के आर्टिस्ट थे, मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन उनका, तो मैंने कहा कि क्यों ना चमकीला जी की टी शर्ट बनवा के पहनी जाए इस वीडियो में, और बिग शाउट आउट टू एलिस्टर जिसने डिजाइन करी ये ना। मैं गाने में प्ले होने से पहले मैं नोटिस कर चुका था इस चीज़ को, बिकॉज़ कर चुके थे, मैंने रोका था, मैं बोला इंस्टेंटली की ट्रिब्यूट, मैंने इंस्टेंटली बोला हाँ। अरे मैंने धरती लोक पे बहुत सारा अच्छा अच्छा काम कर लिया, अभी स्वर्ग लोक में जाके म्यूजिक का मजा दिखा रहे। स्वर्ग लोक, ये स्वर्ग लोक बनाने में 2 महीने लग गए और खूब सारे पैसे लग गए। Anyway, आपके लिए एक फाइनल चैलेंज है, मैंने आपका गाना सुना था, अब ये करके दिखाओ। तो देखो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, कैमरा भी मतलब ठीक ठाक भारी है, आपको आई नो कि बॉडी बिल्डिंग का शौक भी, और मैं हमेशा देखता हूँ वीडियो, भाई बोलते हैं वेट दिखाओ उसके बाद आप शुरू हो जाते हो, तो एक काम करो व्लॉगिंग अब ये करके दिखाओ, पकड़ो इसको नीचे से, और इमेजिन करोगे अभी आप, अभी 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 इमेजिन करोगे आप यूट्यूबर हो और आप क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या करोगे। योहानी सिंह, ये है मेरा वीडियो ब्लॉग जिसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि भाई साहब कैसे बनाना है,
फोरआर्म कैसे बनानी है, और बिग शाउट आउट हर कैमरामैन को और हर यूट्यूबर को, हर जो जो इतना बड़ा लेके घूमता है, बड़ा लेके घूमता है कैमरा हाथ में लेके घूमता है. सो मैं भी आज ये फील कर यार, इट्स अ बिग जॉब ब्रो, इट्स अ बिग जॉब, मजाक नहीं है. यहाँ से यहाँ तक गया तो मेरे तोते उड़ गए, वैसे डंबल मार लेंगे. इसके लिए एक ट्राइपॉड होना चाहिए हाथ के नीचे, यहाँ पे सपोर्ट. दिस इज गुड, देखने में मजा आता है. कोई भी यूट्यूबर वीडियो बनाता है तो अभी आप अपना एक काम करो, ब्लॉगिंग चैनल चालू कर लो. शुरुआत हो चुकी है, श्री गणेश हो चुका है. सही सही. एंड मैं टिप्स देता रहूंगा आपको. सही, मैं करता हूं. चलो, सो आई एम गोना स्टार्ट म्यूजिक व्लॉगिंग. योर लॉग्स क्या बात है. वी आर गोना स्टार्ट योर लॉग्स, और गौरव भाई मेरे को बताते रहेंगे कैसे हम कोलैब करते रहेंगे. और यस डेफिनेटली. चलो डन. अरे भाई, जाने से पहले ना दर्शकों की एक समस्या का समाधान करो कि आपने कौन से हिमालय में जाके तब किया था कि आपको ये दिव्य शक्ति मिली कि आप पानी पे खड़े हो पाओ, नसे खड़े हो पाओ, नाच पाओ, गा पाओ. ये फिर से मेरी टीम ने ये खुराफाती चीज करी कि इन्होंने बेसिकली नीचे कांच का बेस बनाया था, उस पर मैं खड़ा हुआ और फाइनली VFX से ये हटाया गया. लेकिन मैंने तपस्या भी बहुत करी. It was fun. नहीं, amazing है, बहुत बहुत अच्छा लगा. एंड अगर आप यहाँ तक टिके हुए हो, अगर आप इस वीडियो को अपने पूरी क्या बोलते हैं शिद्दत से देख रहे हो, अपना कीमती डेटा इस पे खर्च करते हुए देख रहे हो, बर्बाद नहीं हो रहा मतलब बर्बाद स्लैंग है नहीं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो. एक ही बार करना है, बार बार नहीं, वरना वो हो जाता है वो लाइक रहता है. एक ही बार करना है. और गाना जो है वो जाके देखो, सुनो, शेयर करो, फैलाओ. और अगर फर्स्ट किस कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं करी तो जाके ढूंढो और करो, और उससे पहले गाना सुनाओ तो क्या पता जल्दी हो जाएगी. चलो, और ये कुछ खा नहीं रहे आज कल, तो फाइनली हल्का पी रहा हूं, गाजर का जूस पी रहे हैं. पीस आउट, टेक्निकल गुरु इन द हाउस, यो यो हनी सिंह. दोस्तों यार, कल रात को सीन ऐसा हुआ कुछ कि लैब से निकलते और मतलब होटल वापस आते आते मुझे ऑलमोस्ट सुबह जो है वो 3:30-4 बज गए थे. काफी सारी मस्ती हुई, काफी सारा मैंने शूट किया, काफी नहीं भी किया, बिकॉज अगेन वीडियो जो है वरना बनता पता नहीं 4-5 घंटे का. तो अभी के लिए खैर फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा. अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से अभी का भी लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत बार ऐसी ही कमाल वीडियोस लेके आता रहता हूं. दोस्तों फ्लावर में इतना ही. जय हिंद, वंदे मातरम.